एक्सेल के एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंसर्ट के अंदर जो पाइवट चार्ट होता है, देखिए चार्ट ऑप्शन, उस सारे चार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्लस इसके अंदर जो पाइवट चार्ट होता है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, मैं आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। चलते हैं अपना टॉपिक योर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट यहाँ पर देखिएगा पाइवट चार्ट क्या होता है, उसके बाद हम टोटल इन सारे चार्ट के बारे में हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, पहले तो आप इस डाटा को क्या करिए, सिलेक्शन करिए, ठीक है। डाटा को क्या करिए, सिलेक्शन। उसके बाद जैसे ही पाइवट चार्ट पे जाते हैं और देखिए पाइवट चार्ट पे क्लिक करते हैं और जैसे ओके करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा पहले न्यू वर्कबुक वर्कशीट, यहाँ पर नया एक वर्कशीट ले लेगा। अभी देखिए कितना वर्कशीट है, दो वर्कशीट है। जैसे यहाँ पर न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके करते हैं, आपके पास एक और नया वर्कशीट आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चार्ट खुल के सामने आ गया। अब इस चार्ट में जो भी वैल्यू की आप रखना चाहते हैं बस आप यहाँ पर क्लिक करते चलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए दे रहा है एक, यहाँ पर एक्सेस कैटेगरी दे रहा है, यहाँ पर लीजेंड सीरीज दे रहा है। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस सिंपल से आपको यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन यहाँ पर है, अगर आप ये नेम ऑफ डिपार्टमेंट को एक क्लिक के साथ क्या करना है जी, यहाँ नेम ऑफ डिपार्टमेंट जो है आपका, नेम ऑफ डिपार्टमेंट को क्लिक के साथ ही एक्सेस में ड्रॉ करते रखना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे बात को, इस पर क्लिक करके छोड़ देना है। देखिएगा यहाँ पर डिपार्टमेंट यहाँ पर शो करने लगा, ठीक है, यहाँ पर डिपार्टमेंट शो करने लगा। उसी तरह से आप यहाँ पर देखिएगा नेम ऑफ सेल, मीन्स कितना में सेल किया गया, कौन डिपार्टमेंट यहाँ पर है, कि कौन डिपार्टमेंट से कितना का सेल हुआ है वो आपका बताएगा। इसको आप क्या करिए, नेम ऑफ सेल पे आप वैल्यू पे टांग करके रख दीजिए इस तरह से। अब यहाँ पर बताने लगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बताने लगा कि नेम ऑफ डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, क्लॉथ डिपार्टमेंट है, यहाँ पर नेम ऑफ डिपार्टमेंट में कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, मोबाइल डिपार्टमेंट और टॉय डिपार्टमेंट, और किस डिपार्टमेंट से कितना का सेल हुआ है टोटल यहाँ पर बताने लगा। आप यहाँ से एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं इस डाटा को। जैसे मैं इस पॉइंट पर क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मेरे को इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का डाटा नहीं देखना है तो बस इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ से जैसे ओके करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का डाटा हट गया। और यहाँ से जाकर वापस क्लिक कर लीजिए इस तरह से, और यहाँ से ओके करेंगे आपका यह वापस से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर और भी यहाँ पर देखिए दे रहा है कुछ ऑप्शन, जैसे कि मैं इस प्लस वाला पॉइंट पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऊपर डाटा का लेवल ऊपर दे रहा है। जैसे इस प्लस पर क्लिक करके, अगर आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए डाटा लेवल है, इसमें मैं क्लिक जैसे हटाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर जाइए और जैसे डाटा लेवल पर क्लिक हटाएंगे, देखिए ऊपर से जो डाटा का लेवल ऊपर दे रहा था वो लेवल हट गया। अगर वापस से लाना चाहते हो तो डाटा लेवल पर क्लिक करिए, देखिए ऊपर से डाटा लेवल आ गया। आप चाहते हैं डाटा टेबल भी आ जाए, मतलब नीचे जो जिस तरह से आपका सेल किया गया उसका टेबल नीचे आ जाए इस तरह से यहाँ पर, तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाटा टेबल पर क्लिक करेंगे, देखिए नीचे टेबल भी आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं टेबल की ओर डाटा यहाँ पर शो करने लगा। समझ बात को, यहाँ पर एक्सेस टाइटल में अगर चाहते हो तो एक्सेस टाइटल भी दे देगा, देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से सेटिंग आप कर सकते हैं इसमें से क्लिक करके। अब यहाँ पर देखिए ट्रेड लाइन अगर आप चाहते हो तो देखिए इस तरह से आपका डाटा बढ़ रहा है घट रहा है, तो ये ट्रेड लाइन आ गया, देखिए डॉट डॉट जैसा शो कर रहा है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं सेटिंग स्टेप से, ठीक है। तो यहाँ पर ये यह होता है, अगर इसके स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं क्लिक कर लिया और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा स्टाइल है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर स्टाइल चेंज हो रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही इस टाइप के कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसी के अंदर और भी आगे है इसमें, वो चलते हैं हम लोग यहाँ पर एडिट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर से मैं शीट वन पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं वापस सेलेक्शन किया और चलता हूँ इंसर्ट पे, और यहाँ पे जाने के बाद पाई वाई चार्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ओके मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर नया एक सीट खुल के सामने आएगा और यहाँ पर मैं इसमें डिपार्टमेंट बाय नहीं, नेम ऑफ प्रोडक्ट बाय देखना चाहता हूँ। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है आइटम नेम, ठीक है, इस आइटम नेम को क्या करना है, क्लिक के साथ ही एक्सेस पे रखिए और यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट नहीं, आप यहाँ से वापस से क्या करिए जी, यहाँ पे वैल्यू को टांग करके आप रखिए इस वैल्यू में, मिस सेल वाला वैल्यू में। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट बाय यहाँ पर डाटा को शो कराने लगा। तो इस टाइप से भी अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, पाइवट चार्ट के द्वारा दिखा सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को तीनों चाहिए, डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट तीनों चाहिए, तो आप जैसे डिपार्टमेंट को यहाँ पर क्या करिए, एक्सेस पर क्लिक करिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट और ए दोनों दे रहा है, डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट दोनों दे रहा है इस तरह से।
अगर आप इसमें से देखिए यहाँ पे जैसे कि बल्ब, तो बल्ब कौन डिपार्टमेंट है जी, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। अगर आप चाहते हैं सेपरेट सेपरेट एक बना हुआ आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले इसको रिमूव करिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप इसको पहले रिमूव करिए। मैं यहाँ पर गया और इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पर से, ठीक है, वापस इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, दोनों को रिमूव कर दिया। और यहाँ से सिंपल से आपको क्या करना है, पहले आपको डिपार्टमेंट पे इस तरह से क्लिक कर लेना, आपका यहीं पर आ जाएगा, और उसके बाद उस डायरेक्ट आपको फिर क्लिक करना है यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पे, आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सेपरेट सेपरेट आपका डाटा को दिखाने लगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए क्लॉथ डिपार्टमेंट, जो क्लॉथ डिपार्टमेंट में जीन्स है और ये शर्ट है। अगर आप इस पर कर्सर भी रखिएगा तो आपका डाटा शो करेगा कि यहाँ पर देखिए शर्ट है जो टोटल इसका 500 का सेल किया गया है, और एक क्लॉथ डिपार्टमेंट से है, ये देखिए एक जीन्स है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ देखिए कंप्यूटर वगैरह भी इस तरह से शो कर रहा है, जो कंप्यूटर का डिपार्टमेंट है जिसमें कीबोर्ड सेल हुआ है और ईपीएस सेल हुआ है। तो इस टाइप से आप पाइवे चार्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये फिल्टर की बात आता है, तो फिल्टर भी यहाँ पर आइटम के अकॉर्डिंग आप फिल्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आइटम लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि मैं जींस को नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो चलो जींस पे क्लिक हटा लो और यहाँ से ओके कर लो। आप देखो यहाँ पर जींस हट गया क्या, ठीक है, क्लॉथ डिपार्टमेंट में जींस हट गया क्या। अगर आप चाहते हैं यूपीएस भी हटाना है, तो आप इस पॉइंट पे क्लिक कर लो, और बस सिंपल सी बात है, आप यूपीएस को क्या कर लो जी, यहाँ से अनटिक कर लीजिए और यहाँ से बस ओके। आप देखिए यहाँ से जींस हट गया। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं अपना डाटा को फिल्टर। बाकी मैं इस ऑप्शन के बारे में बताया हूं कि अगर आप चाहते हैं कि डाटा का टेबल लाना चाहते हो, बस डाटा का टेबल ले लीजिए। देखिए यहां पर डाटा का टेबल यहां पर शो करने लगा, आप देख सकते हैं यहां पे। अगर आप इस पॉइंट पर जाकर के डाटा का ऊपर लेवल लाना चाहते हो, तो देखिए ऊपर लेवल आ गया यहाँ से। अगर हटाइएगा तो देखिए लेवल हट जाएगा यहाँ पर, टेबल हटाना है तो टेबल हट जाएगा। तो यहाँ से ग्राइड लाइन अगर आप क्लिक हटाना चाहते हो, देखिए लाइनिंग हट गया बीच से। अगर वापस इस पर क्लिक करके ग्राइड लाइन चाहिए, तो आप ग्राइड लाइन ले सकते हैं। ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क वापस ले सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। ये जो आपका डाटा ब्लू कलर का लाइन जो हाईलाइट कर रहा है, ये ठीक है, वो टोटल दर्शा रहा है कि टोटल कितना का सेल किया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्लू कलर से ये आपका हाईलाइट कर रहा है टोटल। अगर इसको कलर वगैरह चेंज करना है, तो आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। आप डिजाइन में जाकर के यहाँ पर बहुत सारा कलर यहाँ पर शो करता है, देख रही देखिएगा यहाँ पर। आप इस पॉइंट पर क्लिक करिए और यहाँ से जाकर के आप देखिए डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। बहुत सारा ऑप्शन इसमें आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से भी बहुत सारा स्टाइल है, आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा स्टाइल यहाँ पर है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा स्टाइल दे रहा है। और प्लस इसके साथ और भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, एड चार्ट एलिमेंट्स। इस पर जैसे जाइएगा तो यहाँ पर एलिमेंट्स भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह का, यहाँ पर इस तरह से आप फॉर्मेटिंग देख सकते हैं। टाइटल वगैरह देखिए यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर बहुत सारा स्टाइल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आप सारा स्टाइल को चेंज करके आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि लेआउट लेआउट भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से बहुत सारा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर अलग अलग स्टाइल दे रखा है। ये स्विच कॉलम क्या होता है, ऐसे समझिएगा जी, स्विच रो एंड कॉलम, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे जाने के बाद इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, पहले अभी डाटा क्या है, नीचे की ओर है, ठीक है। ये अभी देखिए यहाँ पर इस तरह का है, और डाटा को देखे देखिए क्या कर दिया, इधर से इधर लेकर के आ गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर डाटा को इधर लेकर के आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप डाटा को चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट डाटा में क्या करता है, तो सेलेक्ट डाटा में आप क्या कर सकते हैं, अपने मन चाहे डाटा को क्या कर सकते, एडिट कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सारा डाटा यहाँ पर है। इसको अगर आप इधर लेना चाहते, तो देखिए ये फिर से इधर आ गया। यहाँ से देखिए स्विच इधर, देखिए इधर आ गया। इसको इस फिर से वापस इधर आ गया। तो इस तरह से आप डाटा को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं आपसे, ये भी काम होता है यहाँ से। चेंज टाइप चार्ट, आप इस पे जाकर के अपने चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि पाई लेना है तो पाई पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर बहुत तरीके का पाई है, और यहाँ से ओके करेंगे, आप देखिए पाई टाइप के डाटा आ गया। चार्ट ग्रुप के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है एनालिसिस के अंदर, समझिएगा। एनालिसिस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके ग्रुप यहाँ पर है, जिसका नाम है इंसर्ट स्लाइसर। ये स्लाइसर क्या होता है समझिएगा, बहुत ही खास टॉपिक ये है। अगर आप यहाँ पर जानते हैं चार्ट, ठीक है, चार्ट के बारे में कंप्लीट जानते हैं, अगर आप ये ऑप्शन के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप समझिए कि आपको ये बहुत ही कम ज्ञान है चार्ट बनाने के अंदर, ठीक है। चार्ट टॉपिक के अंदर आपको बहुत ही कम नॉलेज है। तो स्लाइसर क्या होता है समझिएगा, जैसे मैं यहां पर क्लिक कर दिया कि पहले मैं डिपार्टमेंट वाइज डाटा को यहां पर चार्ट में रखना चाहता हूं, तो मैं यहां पर देखिए डिपार्टमेंट पर क्लिक कर दिया, ठीक है, यहां पर डिपार्टमेंट आ गया। और किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल किया गया, वो मैं नेम ऑफ आइटम नेम पर मैं क्लिक कर लिया, ठीक है, आइटम नेम यहां पर आ गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सेल का, यहाँ पर देखिए कितना का सेल किया गया, उस पर मैं क्लिक कर ले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाने लगा क्या, आप देख सकते हैं। इसको मैं कट करता हूँ,
आप देखिए यहां पर आपका यह आ गया, ठीक है। बट स्लाइसर के द्वारा इसको बहुत ही एडिट कर सकते हैं, आसान तरीके से बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपना चार्ट को। कैसे, तो चलिए मैं इस पर क्या कर रहा हूं, क्लिक कर लिया स्लाइसर। स्लाइसर करने के बाद आप यहां पर देखिएगा कि मैं यहां पर क्लिक कर लिया डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट पर मैं क्लिक कर लिया। डिपार्टमेंट पर क्लिक करने के बाद मैं ओके करना चाहता हूं। अब देखिए यहां पर स्लाइसर आ गया, अब देखिएगा ऐसा स्लाइसर आ गया यहां पर, देखिए स्लाइसर आ गया क्या, यहां पर मैं रख दे रहा हूं। अब देखिएगा करेगा क्या, जैसे अभी देखिएगा कि सारा डिपार्टमेंट का डाटा शो कर रहा है चार्ट के अंदर। देखिएगा यहां पर क्लोथ डिपार्टमेंट का भी डाटा शो कर रहा है, यहां पे कंप्यूटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, मोबाइल और टॉय, सारे डिपार्टमेंट का चार्ट में डाटा शो कर रहा है। मैं जो चाहता हूं कि सिर्फ आपका क्लोथ डिपार्टमेंट का शो करे, बाकी सारा का हाइड हो जाए, तो बस क्लोथ पे क्लिक करिए, ठीक है। अब देखिएगा कि आपका क्लोथ डिपार्टमेंट का ही डाटा यहां पर शो कर रहा है। अगर आप कंप्यूटर का चाहते हैं तो कंप्यूटर का ही शो करेगा। मींस एक बार में कोई भी डाटा को आप फिल्टर करके यहां पर क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज डाटा को रख सकते हैं ये स्लाइसर के माध्यम से, ठीक है। ये देखिए यहां पर, ये देखिए यहां पर अब क्या आ गया, अगर आप इस पर क्लिक हटाते हैं तो एक आएगा। जैसे मैं एक पर क्लिक करता हूं, एक आया, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा यहां पर अभी मोबाइल डिपार्टमेंट का आया, ठीक है। मैं चाहता हूं मोबाइल के साथ साथ टॉय डिपार्टमेंट का भी आए, तो आपको जस्ट इस पॉइंट पे क्लिक करना है। देखिए मल्टी सेलेक्शन यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, मल्टी सेलेक्शन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप और यहां से टॉय पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए टॉय डिपार्टमेंट भी एक आ गया। तो यह होता है मल्टी सेलेक्शन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको स्लाइसर के बारे में बताया वो समझ चुके होंगे, ठीक है। आपको जानकारी इसमें अच्छा मिला हुआ, क्लियर फिल्टर। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका फिल्टर क्लियर हो गया और पहले की तरह हो जाएगा। बाकी तो मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहां पर से भी आप डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अपना आइटम के द्वारा भी यहां पर फिल्टर कर सकते हो। मैं ऑलरेडी पहले बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। यहां पर चलिए और यहां से सिलेक्शन करने के बाद आप यहां पर चलिए, यहां पर कोई एक ले लीजिए, ये देखिए फिल्टरेट करना है तो फिल्टरेट आप कर सकते हैं। यहां देखिए ये जो आपको ध्यान से समझिएगा, ये जो रमेश है जो कीबोर्ड बेचा है कौन सा कंप्यूटर डिपार्टमेंट से, देखिए इस तरह का कलर में, कलर देखिएगा बल यहाँ पर, ये यह देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार का है, तो यहाँ पर कलर से हाईलाइट कर रहा है। महेश कवर बेचा है मोबाइल का, देखिए इस टाइप का कलर है, यहाँ देखिए है ना, मतलब ये टोटल का जो है से 12% कौन बेचा है जी, तो महेश बेचा है। अगर इसको आप थोड़ा सा एक करना चाहते हैं दूर दूर, तो ऐसे ऐसे करिएगा तो थोड़ा सा देखिए अलग अलग टाइप से बना हुआ आ जाएगा। इसको अगर जूम करेंगे तो और ज़्यादा बेटर लगेगा, ये देखिए है क्या। तो आप इस पर जाकर के अगर लेवल हटाना चाहते हो लेजेंड, तो ये हट गया, देखिए सिर्फ यहाँ आ गया, ठीक है। लेवल लगाना चाहते हो तो इस पर देखिए लेवल आ गया, तो मेरा बात को, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से और स्टाइल चेंज करना है तो देखिए इस पर क्लिक करिए, इस पॉइंट पर जाइए और देखिए इधर सर बहुत सारा स्टाइल देगा, ये देखिए लिखा हुआ आ जाएगा शत्रुघ्न शर्ट बेचा है इतना का, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, यहाँ पर देखिए है ना, अलग अलग प्रकार का यहाँ पर ये देखिए चार्ट दे रहा है। तो एक से एक चार्ट है, आप इसको यूज़ करके अपने ऑफिस में एक स्मार्ट यूजर बन सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पर बताया वो सीख रहे होंगे, और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के चार्ट है उसको यूज करके आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सारे चीज समझ में आया होगा बहुत मस्त तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जैसे इसमें डिजाइन करने के लिए मैं बताया कि किस तरह से डिजाइन होता है, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के ट्यूटोरियल लेकर के आता रहूँगा।